हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल। आज सुबह का बज रहा है, 5 बज रहा है। तो आज मुझे जाना था धनबाद के ऑफिस का, कुछ काम था। इस हफ्ता पूरा ही मेरे को इधर उधर रांची धनबाद ऐसे जाना होता है मेरे को। तो अभी रेडी हो रहा हूँ, मैं रेडी होके फिर सुबह का बस है, 6:30 बजे का बस है। तो अभी बाहर थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लिया, क्योंकि आते आते ही भी मेरा लेट हो जाएगा। टाटा से धनबाद जाने में मैक्स टू मैक्स आपको 5 घंटा लग जाता है बाई रोड। तो अभी सुबह उठ के इसीलिए जल्दी जल्दी उठना पड़ा, थोड़ा फ्रेश भी हो गया, क्योंकि लेट हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फ्रेश होके फिर नीचे आया, पता नहीं मेन गेट खुला हो कि नहीं, तो इसीलिए नीचे का चाबी भी लेके आना पड़ा। गेट आज खुद को ही खोल के जाना पड़ा था। तो मैंने सुबह कुछ मिलेगा कि नहीं, तो इसीलिए मैंने एक रैपिडो बुक कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकता कि बर्थ छूट जाएगा, क्योंकि टिकट भी लेना है। आप लोग देख ही सकते हैं सुबह का कितना पूरा खाली है, सुनसान रास्ता। 6 बज रहा था, पूरा खाली सुनसान रास्ता, ठंडा हवा भी है हल्का हल्का। तो ऐसे करके मैं बस स्टैंड पहुँच गया, अभी टिकट लेने वाले हैं। तो टिकट लेके देखा, मेरे को एक विंडो सीट मिल गया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है विंडो सीट बैठ के, बाहर के व्यू अच्छा लगता है। तो टाटा छोड़ते छोड़ते 6:40 हो गया था। उसके बाद सुबह इतना उठा होता था, इतना लंबा जर्नी है, क्या करें। तो मैं सुबह उठ के बस में सोने के बाद सो गया था। उसके बाद फिर देखा तो ऑलरेडी धनबाद पहुँच गया था। आप लोग देख रहे हैं इतना सारा पहाड़, तो पहाड़ मतलब माइनिंग होता है कोयले के लिए, तो सब पूरा पहाड़ धूल ही धूल है धनबाद। तो फिर बस से उतर के गया, टोटो ले लिया था, क्योंकि जहाँ मेरे को जाना था थोड़ा बस स्टैंड से दूर था। तो अभी उधर मैं पहुँच गया था, पहुँच के फिर मेरे ब्रेकफास्ट भी उधर ही उन लोगों को मतलब अरेंज कर दिया था, क्योंकि इतना लंबा जर्नी करके आया था, 5 घंटा सुबह उठा था। तो उधर काम वाम करते करते मेरा 3 बज गया था, 4 बजे का ही लास्ट बस था। तो जल्दी जल्दी करके कुछ खा के मैंने जो जा गया था, तो वे को बोला मेरे को थोड़ा बस स्टैंड छोड़ दीजिए। वो उसने भी बोला कि ठीक है, नहीं तो बस छूट जाएगा, 4 बजे के लास्ट बस है। तो गर्मी लग भी रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि दोपहर का टाइम था, पूरा गर्मी लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी आया है कि नहीं। तो इसके बाद पूरा बस स्टैंड पहुँच के फिर टिकट ले लिया। तो निकलते निकलते शाम हो गया। आप लोग बाहर देख रहे हैं, मतलब रोड देख रहे हैं, वहाँ क्या मतलब बहुत ही अच्छा रोड है धनबाद ठीक है टाटा आने वाला। तो जब मैं टाटा पहुँचा, ऑलरेडी 10 बज चुका था, कुछ भी नहीं मिल रहा था रैपिडो वगैरह। तो मुझे एक ऑटो रिजर्व करना पड़ा, जो कि मेरा घर से बस स्टैंड जाने में 10-15 मिनट लगता है, इसी के लिए मेरे को 100 रुपया देना पड़ा भैया को। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टायर्ड भी थे, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, भूख भी लग रहा था। तो भैया को बोला मैं, चलिए भैया ठीक है देखा जाएगा, बोल के फिर उनको मैं राजी करवा के फिर मैं आ गया। अभी इतना टायर्ड लग रहा था कि मेरे को चलने में भी ये हो रहा था कि घर जाके फ्रेश होकर भाई सो जाएंगे, लेकिन इतना भूख लग रहा था, पता नहीं घर में खाना बनाया है कि नहीं। राइस भी बनाया होगा तो मैं कुछ बना लूँगा। फिर पहुँच ही गया मैं। उसके बाद अगर आज फिर लेट हो गया तो कल सुबह फिर ऑफिस है, कल सुबह लेट हो जाएगा ऑफिस, अभी जल्दी नहीं करेंगे। तो क्योंकि रात को ऑलरेडी 11:30 बज रहा था, तो अभी जाके खाना वाना बनाना होगा, क्योंकि फ़ोन किया था मैंने तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली चावल बना हुआ है और आलू बॉयल कर लिया, लेकिन मेरे को नॉर्मली अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने अंडा से उसको फ्राई कर लिया था थोड़ा बहुत मसाला राइस टाइप का। तो खा के फिर मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।